हेलो स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज द टू बॉडीज कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग एंड पासिंग ओवर ए स्मूथ पुले। ओके, सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। दिस इज द पुले। पुले समझ में आ रहा है ना, जैसे जो घिरनी जो होती है उसको पुले बोलते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर से स्ट्रिंग को लेके जाते हैं, जो अक्सर आप देखे होंगे कि कुएं पर लगाया जाता है, ठीक है, कुएं से पानी निकालने के लिए पुले का यूज करते हैं हम लोग। ऐसी ये स्ट्रिंग है जो इस पुले के ऊपर से पास है, ठीक। यहां पर दो बॉडीज हैं जो इसके साथ कनेक्टेड हैं। ले लेते हैं, एक बॉडी M1 ले लेंगे, एक बॉडी M2 ले लेंगे, ठीक। ये बॉडी मैं ले ले रहा हूं M2 और ये है M1। ये जो पुले है ये एक फिक्स सपोर्ट से लटका हुआ है, ठीक है, ये फिक्स सपोर्ट है। सारे सिचुएशंस ओके हैं। अब चलिए इसमें जो फोर्स लग रहा है उसको देखा जाए और किस तरीके से ये इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ये भी देखा जाएगा। यहां मैं मेंशन कर देता हूं कि M1 इज ग्रेटर देन M2। M1 का मास ज्यादा है M2 के अपेक्षा, ठीक है। इन दोनों का सबसे पहले तो वेट डाउनवर्ड काम करेगा, सबसे पहली चीज तो यही हो जाएगी, वेट जो कि डाउनवर्ड वर्क करेगा। मैं रेड कलर से ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये दोनों का वेट हो गया, ठीक है। ये वेट हो जाएगा M2G और ये हो जाएगा M1G। अगर M1 हैवी है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है बॉडी जो है M1 नीचे की तरफ आएगा, इस तरीके से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और M2 ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि हैवी है ना, तो ये तेज खींचेगा नीचे की तरफ, तो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड है। और जब वेट लगाएंगे तो इस वायर में टेंशन क्रिएट होगा, ठीक है। टेंशन T मान लेते हैं कि T टेंशन दोनों में क्रिएट हुआ है धागे में। अब चलिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए और फिर इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए सबसे पहले मैं M1 का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ले लेते हैं, ये हो गया M1, ठीक। क्या क्या एक्ट कर रहा है इसके ऊपर? सबसे पहले तो M1G नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ये हो गया M1G। साथ साथ टेंशन ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, तो ये हो गया टेंशन। और टोटल एक्सेलरेशन किधर है? वो है नीचे की तरफ, तो ये हो गया एक्सेलरेशन, ठीक। अब चलिए इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। इक्वेशन क्या है? मैंने बताया लिखने का तरीका, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फॉरवर्ड फोर्स क्या है यहां पर? M1G, ठीक है।
नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ एम वन। फॉरवर्ड फोर्स मतलब मोशन के डायरेक्शन में फोर्स, वो क्या है एम वन जी। माइनस बैकवर्ड फोर्स मतलब टेंशन, तो ये नेट फोर्स है जो कि एम वन पे एक्ट कर रहा है, एंड दिस विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर वन बना लीजिए। नाउ अब चलिए आते हैं हम लोग बॉडी एम टू के ऊपर। ये रहा बॉडी एम टू, इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा, लगा देते हैं। टेंशन ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, उसको भी लगा देते हैं। ठीक, नेट एक्सेलरेशन इसमें ऊपर की तरफ है, वो भी दिखा दिया। टेंशन एम टू जी। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एम टू, क्या हो जाएगा फॉरवर्ड फोर्स। यहां टेंशन फॉरवर्ड फोर्स है ना, टी माइनस एम टू जी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन नंबर टू हो जाएगा। नाउ एड इक्वेशन वन एंड टू। देखिए यहां पे दो इक्वेशन है, दो अननोन है। मास आप जानोगे, जी की वैल्यू आप जानते हो, ठीक है। टेंशन और एक्सेलरेशन ये दो अननोन्स हैं और दो इक्वेशन हैं, तो उनको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो देखिए एक में टी पॉजिटिव है, एक में निगेटिव है विद सेम कोफिशिएंट, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, एम वन जी माइनस एम टू जी इक्वल टू एम वन ए प्लस एम टू ए। यहां से ए आप निकाल सकते हो, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूंगा, मुझे लगता है आपको समझ में तुरंत आ जाएगा। ये हो जाएगा एक्सेलरेशन की वैल्यू। ठीक है, अब इसी एक्सेलरेशन को आप किसी दूसरे इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपको टेंशन भी मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर थ्री लिख देते हैं इसको। ठीक है, आइए टेंशन भी कैलकुलेट कर लिया जाए। पुट इक्वेशन थ्री इन वन, वन में पुट कर देते हैं। क्या था वन का इक्वेशन, देखिए तो एम वन जी माइनस टी इक्वल टू एम वन ए। ठीक है, लिख देते हैं एम वन जी माइनस टी इक्वल टू एम वन ए। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम वन जी माइनस एम वन ए। सही है, अब एम वन ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, एम वन जी माइनस एम वन, एम वन तो एम वन रहेगा ही, ए की जगह पे क्या हो जाएगा एम वन प्लस एम टू अपॉन एम वन माइनस, सॉरी ऊपर माइनस है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ ऊपर माइनस है। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, एम टू इंटू जी। ठीक है, अब यहां से हमने क्या किया कि जी को
कॉमन लेकर किनारे कर देते हैं और एम वन प्लस एम टू एलसीएम ले लेते हैं। जब आप एम वन प्लस एम टू एलसीएम लेंगे और मैंने जी को यहां कॉमन ले लिया है, देखिए क्या क्या बचेगा। ऊपर बचेगा एम वन स्क्वायर प्लस एम वन एम टू, नीचे बचेगा दूसरे टर्म में बचेगा एम वन स्क्वायर प्लस एम वन एम टू, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हो जाएगा टू एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू जी, ये टेंशन की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों अननोन्स को हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया तो हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फोर लिख देते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे जिसपे क्या होगा कि M1, M2, G की वैल्यू दी रहेगी और बाकी चीजों को आपको कैलकुलेट करना होगा। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं पुले से रिलेटेड। इसमें दोनों जो बॉडीज हैं ये दोनों वर्टिकल मोशंस कर रही हैं, ठीक है, मींस अंडर ग्रेविटी। ठीक, लेकिन अगर इनमें से एक बॉडी को उठा करके हम टेबल के ऊपर रख दें तो क्या होगा, आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टॉपिक का नाम है टू बॉडीज कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग By a string, one body is placed on the smooth table. ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। नेक्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम से है, चलिए इसको देखा जाए। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर दे तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम, थोड़ा सा टाइम लेंगे क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा बड़ा है। ये टेबल है, ये टेबल का पैर, ठीक, और ये फिक्स्ड सपोर्ट से कनेक्टेड कर देते हैं, इसको फिक्स्ड सपोर्ट लगा देते हैं। चलिए फिक्स्ड सपोर्ट हो गया। इसके ऊपर एक पहले पुले फिक्स कर देना, चलिए पुले लगा दिया जाए पहले। ये रहा पुले, मैंने लगा दिया, और इस पुले को हवा में तो रहेगा नहीं, सो कनेक्ट कर दिया जाए। ये मैंने किसी रॉड से इसको कनेक्ट कर दिया है, अब यहां पर चलिए एक बॉडी रख दिया जाए। एक बॉडी जो हमने यहां रख दिया, अब इसको स्ट्रिंग से बांध करके लटका दें, उसके साथ लगा देना पुले से कनेक्ट कर दें। ठीक, ये कनेक्ट हो गया। एक बॉडी को नीचे की तरफ लटका देते हैं ऐसे, ठीक, इस बॉडी का
मास लिख देते हैं m1 और ये है m2, ठीक है। और मैं मेंशन कर दूंगा कि m1 इज ग्रेटर देन m2, लग नहीं रहा है लेकिन है, ठीक। अब क्या क्या सिचुएशंस होंगी, इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा, हाँ करेगा, इसका भी वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा, चलिए करा देते हैं। साथ ही साथ इस पे रिएक्शन फोर्स भी लगेगा ऊपर की तरफ, ये रिएक्शन हो गया, ये एम टू जी हो गया, ये एम वन जी हो गया, ठीक है। साथ ही साथ इसमें टेंशन भी क्रिएट होगा, तो ये टेंशन हो गया स्ट्रिंग में और ये टेंशन हो गया। एम वन का मास ज्यादा है तो एम वन नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। वैसे भी स्मूथ पुले है तो जरा सा भी फोर्स लगेगा तो ये नीचे की तरफ ही सरकने वाला है, ठीक है। तो ए एक्सेलरेशन मैंने माना कि नीचे की तरफ है, और जाहिर सी बात है तो फिर ये जो एम टू जो है वो आगे की तरफ स्लाइड करेगा तो इसमें एक्सेलरेशन आगे की तरफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। चलिए अब एक एक बॉडी के लिखेंगे। फॉर एम वन, सबसे पहले एम वन के लिए देखा जाए, एम वन का फ्री बॉडी डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये एम वन बॉडी हो गई, क्या क्या एक्ट कर रहा है भैया, एक्ट कर रहा है एक तो इसका मास, दूसरा टेंशन, सॉरी वेट और टेंशन, ठीक है। ये हो गया टेंशन, ये हो गया वेट, और साथ ही साथ में एक्सलेशन है नीचे की तरफ, ठीक। इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, मैंने बोला है फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर वन, ठीक। नाउ फॉर बॉडी एम टू, एम टू में क्या दिक्कत है, M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, थोड़ा सा भारी भरकम है, चलो कोई नहीं। एक तो है इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा, रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, वेट है इसका M2G, एंड इस पे टेंशन लग रहा है वो आगे की तरफ है, ठीक, और एक्सेलरेशन भी आगे की तरफ है, इसी टेंशन की वजह से एक्चुअली ये एक्सेलरेट हो रहा है। तो पहली चीज तो ये हो जाएगी R इक्वल टू एम टू जी, क्योंकि R और एम टू जी एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। दूसरी चीज हो जाएगी इसमें एंड फोर्स कितना है T, और एक्सेलरेशन एम टू इंटू ए, यानी कि फोर्स T की वजह से एक्सेलरेट हो रहा है ये, तो T इज इक्वल टू एम टू ए, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर थ्री फ्रॉम वन एंड थ्री। यहां फिर से दो अननोन है, ठीक है, दो क्या तीन अननोन है, टी है, ए है और आर है। तो आर तो तुरंत निकल जाएगा, एम टू इंटू जी है, ठीक है, और टी की रही बात, और टी और ए की तो निकला जाए फ्रॉम वन एंड थ्री, तो करना कुछ नहीं है, थ्री को उठा करके वन में पुट कर दीजिए, क्या मिल जाएगा, एम वन जी माइनस एम टू ए इक्वल टू एम वन ए। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा एम वन जी इक्वल टू एम वन प्लस एम टू ए, और अब आपको समझ में आ गया होगा कि ए इक्वल टू हो जाएगा M1 upon M1 plus M2 G, ठीक है।
ये आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 4 लिख देते हैं। अब इसको उठा करके आप टी पे पुट कर दी तो टेंशन में निकल जाएगा, यही लिख दे रहे हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा m1 वन इंटू एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। ए की वैल्यू को उठा करके 3 में पुट कर दिए हैं, ठीक, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। तो ये दो टॉपिक हम लोगों ने देख लिया, एक तो पुले जिसमें वर्टिकल मोशन था, दोनों बॉडीज जो है थी वो पुले से हैंग थी, और दूसरा में हम लोगों ने देखा कि एक बॉडी को हम लोगों ने स्मूथ टेबल के ऊपर रख दिया और एक बॉडी को नीचे की तरफ लटका दिया। ठीक है, तो ये चीजें हो जाएंगी।